गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम व्यावसायिक सांघिकी में पार्टीशन वैल्यू पार्ट विभाज्य मूल्य, तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थ्री कैसे निकाला जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, निम्न समंकों से क्वार्टाइल वन तथा क्वार्टाइल थ्री का मान ज्ञात करो। अब इसमें एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है 2, 4, 7, 9, 16, 18 and 24। इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 9, 25, 22, 18, 11 and 8। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीरीज तीन प्रकार की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये सीरीज कौन सी है, ये डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें एक्स दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दी हुई, इसमें साइज भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल थ्री। तो सबसे पहले हम इसका सीएफ ज्ञात करते हैं। सीएफ को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। अब बच्चों, ये सीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा जो फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट नंबर है आइटम्स है, तो फर्स्ट आइटम्स क्या है, सेवन। जो सेवन है उसको हम वैसे की वैसे लिख देंगे, रख देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रद्दबदल नहीं करेंगे। अब सीएफ का फर्स्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का सेकंड नंबर हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो सीएफ का फर्स्ट सेवन हो गया, फ्रीक्वेंसी का सेकंड हो गया नाइन। 7 + 9 क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब 16 को हमने 25 को में जब ऐड किया तो 41 आ गया। अब जब हमने 41 को 22 में ऐड किया तो 63 आ गया। 63 को जब हमने 18 में ऐड कर दिया तो 81 आ गया। अब 81 को जब हमने 11 में ऐड किया तो 92 आ गया। अब हमने 92 को 8 में जब हमने ऐड किया तो 100 आ गया। तो इस तरह ये सीएफ निकाला जाता है। हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी होगी, सीएफ का जो लास्ट डिजिट होती है, जो अंक है, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, वो ये दोनों मैच होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टोटल सीएफ निकालते समय, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय जो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर्स होते हैं, वो कहीं फ्रीक्वेंसी से उसके टोटल से और सीएफ के टोटल में डिफरेंस आ जाता है। तो हम इसी जगह हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी का जो ग्रांड टोटल और सीएफ का जो लास्ट डिजिट है, जो अंक है, वो दोनों इक्वल रहना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर रहना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो ये समझ लेंगे कि हमने सीएफ सही निकाला है और फ्रीक्वेंसी भी हमारी टोटल्स को, ग्रांड टोटल जो है, सही निकला, ठीक है। तो इस तरह के माध्यम से हम सीएफ क्या करते हैं। तो इसका पहला फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन फोर द आइटम्स, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पर क्वेश्चन लगेगा। तो क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू एन, हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ग्रांड टोटल, हमारी फ्रीक्वेंसी का ग्रांड टोटल क्या है, 100। तो हमने लिख दिया 100 प्लस 1 क्या है, एक्चुअली 1 जो है ऑलरेडी फार्मूला में दिया हुआ, 1 लिख दिया अपॉन 4 द आइटम। अब जब फिर नीचे लिखेंगे क्वार्टाइल 1 प्लस 100 में जब हमने 1 को ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा अपॉन 4, ये आ जाएगा। अब 4 को हम 101 में उसको डिवाइड कर देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो जब हम डिवाइड करेंगे 25.25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 25.25 आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सीएफ में देखेंगे, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो ये जो सीएफ होगा, तो हमारा ये 16 में तो आएगा नहीं, तो 16 के नीचे क्या होगा, 41, जो ये संख्या है ये 41 में आ जाएगी। तो इसके जो सामने वाला हमारा x होगा,
वही हमारा क्वार्टाइल वन होगा। तो इस 41 के सामने हमारा क्वार्टाइल कितना हो, कितना उसके सामने एक्स दे रहे हैं, तो वो 7 दे रहे हैं, तो हम क्या, हमारा ये क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम ये क्वार्टाइल वन ज्ञात करते हैं। दूसरा है क्वार्टाइल थ्री का क्या फार्मूला है, क्वार्टाइल थ्री इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम्स। ठीक है, अब क्वार्टाइल थ्री, थ्री हमने लिख दिया, ब्रैकेट एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना है 100, 100 प्लस 1 अपॉन 4 द आइटम्स। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे क्वार्टाइल थ्री इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 100 को हम 1 में जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। जब 101 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 101 को, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे उसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 70.5, 70.5 ये हमारा क्या निकल के आएगा, द आइटम्स निकल के आ जाएगा। अब जब 70.5, 70.5 जो आएगा तो इसको हम कहाँ देखेंगे, इसको हम सीएफ में देखेंगे, तो ये 63 में तो सीएफ में होगी नहीं, तो ये किस में होगी, 81 में होगी, क्योंकि ये संख्या 63 में आएगी नहीं, ये 81 में आएगी। जब 81 में ये जब आ जाएगा तो इसके जो सामने वाला एक्स होगा, तो हमारा इसका सामने वाली जो डिजिट है, जो संख्या है वो कितनी है, 16 है, तो जो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा यही क्वार्टाइल थ्री निकल के आएगा, तो क्वार्टाइल थ्री इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से हम क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थ्री का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना इसमें जरूरी है कि सीएफ निकालने के लिए, सीएफ में हमें बहुत ध्यान पूर्वक उनका दोनों संख्याओं को ऐड करते हुए क्रमबद्ध चलना है, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए, जिससे कि हमारा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो, जिससे कि हम जो क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा हम सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से सॉल्व करें।